नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपमा जैन एक वक्त पे आपका अपने चैनल वेलकम करती हूँ। दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि लिस्ट के आप एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बेसिकली नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है और स्लाइसिंग क्या होता है, ठीक है ना। बट आज की क्लास में हम और मजेदार चीजों को सीखेंगे कि हम क्या क्या चीजें लिस्ट के साथ और कर सकते हैं। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है, आपको मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, एक बार आप उसको जाके जरा चेक कर लीजिए, तो इस वाले वीडियो को पढ़ने में और ज्यादा मजा आएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम जो नए कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ लिस्ट, जो हम इसके साथ यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, जैसे हम लोगों ने पिछली बार लिस्ट बनाई थी, सेम काइंड ऑफ लिस्ट वी आर क्रिएटिंग वंस अगेन। मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ एल, जो कि लिस्ट को कंटेन करेगा। तो मैं लिस्ट को एल इज इक्वल टू कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ एप्पल कोमा ग्रेप्स कोमा पाइनएप्पल, ठीक है ना दोस्तों। ये मैंने लिस्ट क्रिएट कर दी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक बार इसको प्रिंट करवा रही हूँ, ताकि आप हम लोग देख सके कि हमारी जो वैल्यू लिस्ट में एड ऑन हुई है या नहीं हुई। मैं लिख रही हूँ प्रिंट ऑफ एल, ठीक है ना। तो अब मैं इसको रन कर रही हूँ, आप देखिएगा। देखिए, आपका लिस्ट क्रिएट हो गई, और ये देखिए तीनों वैल्यूज जो मैंने ऐड की थी, एप्पल ग्रेप्स पाइन एप्पल, इट इज इंसर्ट, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके बाद अब हम लोग कुछ और चीजें ट्राई करें। देखिए, अभी तक आपकी लिस्ट में तीन एलिमेंट्स हैं। आप तीन से ज्यादा अगर एलिमेंट्स को एड ऑन करना चाहते हैं, लेट सपोज आप फोर फाइव या और ज्यादा एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। बट इसके भी आपके दो वेज होते हैं। पहला वे होता है अपेंड फंक्शन। तो अपेंड फंक्शन क्या करता है दोस्तों, अपेंड फंक्शन जब भी हम यूज करते हैं, वो हमेशा उस एलिमेंट को आपके लिस्ट के लास्ट एलिमेंट की तरह एड ऑन करता है। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं। मेरे एल लिस्ट का नाम है एल डॉट, मैं अब यूज कर रही हूँ अपेंड फंक्शन, ठीक है। अब मैं सिंपली लिख रही हूँ वो एलिमेंट का नाम जो मुझे एड ऑन करना है। अभी देखिए, इस टाइम एप्पल है, ग्रेप्स है, पाइन एप्पल है, और अब मैं चाहती हूँ गुआवा एड ऑन हो जाए इन द लास्ट। मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिंपली लिख रही हूँ गुआवा, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बाद मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट ऑफ एल, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा आपकी लिस्ट, अगर आप नजर करें, आप देखिए एप्पल ग्रेप्स पाइन एप्पल गुआवा। इसी तरीके से अगर आप इसे दोबारा करेंगे, तो जो भी आप एलिमेंट ऐड करेंगे, इट विल बी इंसर्टेड इन द लास्ट, ठीक है। मगर कई बार ऐसी भी कंडीशन होती है कि हमें कहीं मिड में एलिमेंट की किसी पर्टिकुलर पोजिशन पे हम एलिमेंट को इंसर्ट करना, फॉर दैट पर्पज हमारा अपेंड फंक्शन यूजफुल नहीं होता। उस केस में हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें एक और फंक्शन होता है, दैट इज नोन एज इंसर्ट, और हमें इंसर्ट फंक्शन यूज करना चाहिए, जो कि किसी भी स्पेसिफिक पोजिशन पर आपके एलिमेंट को एड ऑन करता है। तो चलिए दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इंसर्ट फंक्शन यूज करेंगे, और मैं चाहती हूँ जो फर्स्ट पोजिशन पे ग्रेप्स है, यहाँ पर हमारा एलिमेंट इंसर्ट हो, और जो ग्रेप्स से लेकर बाकी के एलिमेंट्स हैं, इट विल बी शिफ्ट, तो वो शिफ्ट कर लें। मैं क्या कर रही हूँ, आप देखिएगा, मैं सिंपली लिख रही हूँ एल, एल इज द नेम ऑफ द लिस्ट डॉट इंसर्ट, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे पोजीशन का नंबर देना पड़ेगा कि किस पोजीशन पे मेरे को अपना एलिमेंट स्टोर करना है। देखिए, आपका हमेशा याद होगा आपको कि लिस्ट में हमेशा एलिमेंट जीरो से स्टार्ट होता है, इट इज जीरो पोजीशन, इट इज फर्स्ट पोजीशन, तो मुझे फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए, मैंने लिखा वन। इसके बाद अब मुझे कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है, लाइक आई एम एडिंग बनाना, मैंने बनाना लिखा, अब देखिएगा मैंने इंसर्ट तो कर दिया है, मगर अभी मैंने प्रिंट नहीं किया। तो चलिए एक बार मैं प्रिंट करके दिखाती हूँ, मैं लिख रही हूँ प्रिंट एल, देखिएगा दोस्तों, देखिए एप्पल बनाना ग्रेस पाइन एप्पल गुआवा। अगर आप ध्यान से देखिए, देखिए बनाना इज ऑन द फर्स्ट पोजीशन नाउ, और जो ग्रेप्स से लेके बाकी तक के सारे एलिमेंट्स थे, इट इज मूव, है ना।
एक एक इक्वेशन आप शिफ्ट कर देना, ठीक है ना दोस्तों। तो बेसिकली इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को एड ऑन कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और है, कई बार क्या होता है हमें, लेट सपोज मुझे इस बनाना की जगह कुछ और डालना था, अगर मुझे इस एलिमेंट को चेंज करना है तो मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ, मैं कैसे चेंज करूंगी। सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा एल, जो भी पोजीशन नंबर है, लेट सपोज मेरी पोजीशन नंबर वन ये बनाना है एल पर, वन पर मैं कर रही हूँ इसको, बनाना की जगह मैंने लिख दिया इसको ग्रेप्स। अगर आपको ध्यान हो तो लिस्ट के अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड करते हैं, तो मैंने अभी इसको इंसर्ट कर दिया। अब देखिएगा बनाना की जगह आपको ग्रेप्स नजर आएगा, ग्रेप्स ऑलरेडी एक और भी है, मैं इसको दोबारा से प्रिंट कर रही हूँ, प्रिंट प्रिंट एल। अब देखिएगा दोस्तों मेरे पास, दोबारा से ट्राई करती हूँ, प्रिंट एल। देखिएगा दोस्तों मैंने अभी अभी क्या किया था, एप्पल ग्रेप्स, ग्रेप्स बनाना की जगह ग्रेप्स डाला था ना, देखिए ग्रेप्स इज चेंज। आप इस तरीके से एक पर्टिकुलर पोजीशन की जो वैल्यू है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये तो था चेंजिंग और एडिशन ऑफ एलिमेंट्स, बट हमारे को कई बार एलिमेंट्स को रिमूव भी करना होगा। रिमूव करने के भी आपके पास में कई तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है आपका रिमूव फंक्शन, ठीक है। अब अगर आपको रिमूव करना है किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को, लेट सपोज मुझे ग्रेप जो दो बार है, मुझे अभी फिलहाल मैं दोनों ग्रेप्स को नहीं हटा रही, इसके लिए भी दोबारा बताऊंगी, मैं एप्पल को हटाना चाहूंगी, मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी एल डॉट रिमूव, और इसके बाद जो भी मुझे रिमूव करना है सिंपली आई एम राइटिंग दैट एप्पल, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं क्या, और इसी के साथ साथ मैं प्रिंट भी करा देती हूँ ताकि आपको नजर में आता रह सकता, प्रिंट एल, ठीक है ना, मैंने रिमूव कर रही हूँ एप्पल को और प्रिंट कर रही हूँ। देखिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों आपका एप्पल आपकी लिस्ट में से हट गया है और अब ग्रेप्स, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, गुआवा, ये आपके पास आपकी लिस्ट के एलिमेंट बच गए। अब दोस्तों एक और मेथड होता है जिसके थ्रू आप किसी भी चीज को डिलीट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पॉप फंक्शन, ठीक है ना। पॉप के दो तरीके हैं यूज करने के, एक तो ये है कि अगर आप पॉप फंक्शन को विदाउट इंडेक्स स्पेसिफाई करते हैं, हमेशा आपका लास्ट एलिमेंट, जैसे अगर मैंने यहाँ पर लास्ट एलिमेंट क्या है, यहाँ पर लास्ट एलिमेंट तो गुआवा, तो इट विल बी रिमूव। चलिए एक बार पहले मैं आपको दिखाती हूँ, एल डॉट पॉप, सिंपली मैंने लिखा एल डॉट पॉप और मैं इसको एग्जीक्यूट कर, ठीक है दोस्तों मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया, देखिए गुआवा रिमूव हो गया, वो दिखा रहा है आपको, ठीक है। अब एक बार इसको प्रिंट भी करा लेते हैं ताकि आपको लिस्ट एलिमेंट साथ साथ पता लगते रहे, प्रिंट ऑफ एल, ठीक है ना दोस्तों। देखिए ग्रेप्स, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, अब सिर्फ तीन एलिमेंट्स आपके बचे। तो अब इसके बाद पॉप फंक्शन को, ये तो आपका लास्ट एलिमेंट को इसने डिलीट किया, बट अगर मुझे कोई पर्टिकुलर पोजीशन का एलिमेंट हटाना है, लेट सपोज मैं सेकंड पोजीशन पे जो ग्रेप है ये जो इस टाइम यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे, तो मैं इसको रिमूव करना चाहती हूँ, आई विल राइट एल डॉट पॉप और इसके बाद नो पर्टिकुलर पोजीशन का जो इंडेक्स नंबर है आई एम जस्ट राइटिंग इट सिंपली। देखिए इट इज शोइंग ग्रेप्स इज रिमूव, ओनली ग्रेप्स इज रिमूव फ्रॉम दिस पोजीशन, नॉट फ्रॉम दिस पोजीशन। एक बार मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ, देखिएगा आपको फर्स्ट वाला ग्रेप्स नजर आएगा, प्रिंट ऑफ एल। देखिए दोस्तों ग्रेप्स नजर आ रहा है, पाइनएप्पल नजर आ रहा है, तो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट पोजीशन पे ग्रेप्स है, ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली अभी तक हमने रिमूव के दो, डिलीशन के दो मेथड्स देखे, एक देखा पॉप फंक्शन, एक देखा रिमूव फंक्शन, बट एक और सिनेरियो है जिसको हम बोलते हैं डेल कीवर्ड। डेल कीवर्ड के आपके दो फंक्शन होते हैं, या तो एक आप स्पेसिफिक एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो, या फिर आप पूरी की पूरी लिस्ट को भी डिलीट कर सकते हो। देखिए दोस्तों
सबसे पहले मैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हटा रही हूँ, मैं हटा रही हूँ सिर्फ ग्रिप, तो मैं क्या लिख रही हूँ डेल, अब मुझे लिखना है लिस्ट का नाम, तो लिस्ट का नाम क्या था एल था, और एल के बाद मुझे इंडेक्स नंबर मेंशन करना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर इज जीरो, मैं साथ साथ प्रिंट भी करवा रही हूँ, प्रिंट ऑफ एल, ठीक है दोस्तों, देखिएगा अब क्या बचा आपके पास, पाइन एप्पल, क्यों, क्योंकि आपने जीरोथ पोजीशन पे जो भी एलिमेंट था आपने उसको रिमूव कर दिया, इट इज रिमूव एंड बचा क्या हमारे पास सिर्फ पाइन एप्पल, है ना दोस्तों, तो आगे देखते हैं अब, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अभी एक ही एलिमेंट बचा है इसलिए थोड़ा सा पहले हम एक दो तो एलिमेंट ऐड कर देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिंपली लिख रही हूँ एल डॉट अपेंड, और मैं ऐड कर रही हूँ कुछ फंक्शन, कुछ और एलिमेंट्स ग्रेप्स, ठीक है, और अगेन मैं लिख देती हूँ एल डॉट अपेंड, मैं लिख देती हूँ एप्पल, ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ मैं प्रिंट भी करवा देती हूँ, प्रिंट एल, मैंने बेसिकली दो दो एलिमेंट्स ऐड किए, एक ग्रेप और एक एप्पल, प्रिंट करा रही हूँ एल, ठीक है ना दोस्तों, तो देखिएगा पाइनएप्पल ग्रेप्स एप्पल, अब इस टाइम करंट हमारी लिस्ट में ये, अब मैं डेल कीवर्ड को यूज कर रही हूँ ताकि पूरी की पूरी लिस्ट रिमूव हो जाए, मैं क्या कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ डेल और मैं रिमूव कर रही हूँ, लिख रही हूँ एल, और चलिए पहले एक बार इसको रिमूव कर दो, रिमूव हो गया, बट अगर अब आप प्रिंट करने की कोशिश कीजिए देखिए क्या दिखाएगा, प्रिंट एल, अब देखिएगा आपको क्या नजर आता है, कोई एलिमेंट नजर आते हैं या नहीं नजर आते, देखिए इट इज गिविंग यू नेम एरर, वो क्या बोल रहा है, नेम एल इज नॉट डिफाइंड, बेसिकली हमने पूरी पूरी लिस्ट हमने डिलीट कर दी है, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग अस नेम एरर, तो आई बिलीव दोस्तों आपको ये वाले फंक्शन समझ आए होंगे, हमारे पास कुछ और भी फंक्शन होते हैं जिनके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगर इनमें किसी भी तरीके का आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू भी और मेरी मेल आई डी के थ्रू भी, इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मैं अगले जो नए फंक्शन हैं मैं उनको अगली क्लास के अंदर लेकर आऊंगी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।